बीच। तुमने मुझे बोला था कि शक्ल मत दिखाना, इसलिए रात भर सोया नहीं और कॉल भी नहीं किया। रिद्धमा, आई एम सॉरी, प्लीज मान जाओ। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन प्लीज रिद्धमा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, प्लीज सिर्फ एक मौका दो बात समझाने का। अरे वो हाय वाला हाय नहीं, हाय वाला हाय। क्या हुआ? अरे पता है, कल पूरी रात मैं बाथरूम में था यार। क्यों? अरे वो म्यूनिसिपैलिटी के पानी ने बाथरूम के टैंक का पानी खत्म कर दिया, मतलब वो फ्लश करके करके। अरे गॉड, गेट वेल सून। हाय अतुल, कैसे हो? कैसा हूँ, पेट खराब है, कैसा हो सकता हूँ? तुम उदास अच्छे नहीं लगते, हंसते रहो। और अपने पेट, हाँ पेट पेट, अपने पेट का ख्याल रखो। कुछ सीरीज भेज रही हूँ, उनको सुनना और मुझे याद करना, फिर काम शुरू होगा। देखो, हे जेम्स ब्लंट, तुम्हें पता है ये दी का फेवरेट सिंगर है, तुम्हें अच्छा लगता है? किसने भेजा ये? मेरे एडमायर ने। ओह और उसे भी पता है कि मैं सैड हूँ। लेकिन हम कुछ पसाक क्यों रहे हैं? क्योंकि दीवारों के बेकार होते हैं। ओह ठीक है। अतुल, हाँ पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो एडमायरर है ना, वो हॉस्पिटल में ही है। तुम्हें कैसे पता? देखो, उसे ये पता है कि तुम उदास हो, उसे ये भी पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ कहीं वो डॉक्टर तो नहीं? क्या बात कर रही हो यार, कहीं वो सिस्टर लवली तो नहीं? मैं मर जाऊंगा यार। ए, टेडी भी भेजा। टेडी बेटा, तुम्हें सिस्टर लवली ने भेजा है? हाँ बोलो ना, मारूंगा मैं। हे व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हें पता है एसआई टेडी दी के पास भी है। रियली? माँ के कमरे में पड़े रहता है। यू मीन पद्मा आंटी, वो मुझे लाइक करती है? नो अतुल। अरे चॉकलेट भी है, रेजिन्स एंड हेजलनट। रेजिन्स एंड हेजलनट, तुम्हें पता है ये भी दी के फेवरेट चॉकलेट्स है। रियली? सभी इंटर्न ब्रीफिंग के लिए एनआर स्टेशन पर आ जाइए। अच्छा ये रहा तुम्हारा टेडी चॉकलेट सीडी, मैं आती हूँ और तुम भी आना। ओके okay? हाँ। ज्यादा चॉकलेट मत खाना, वैसे ही पेट खराब। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। कौन हो सकता है यार? निकी? नहीं 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 नहीं, पद्मा आंटी ना, ये जो भी है ना मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है और उसकी पसंद अंजलि की पसंद से मिलती है, मतलब ओ रिद्धिमा। I'm sorry अरमान यार, I'm really sorry, मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अंजलि भी तो हो सकती है। नहीं लेकिन अंजलि से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कौन है बास्केट, अभी तक तो मैसेज मिल जाना चाहिए था। बस एक बार मेरी बात सुनो, that's all I want. यार ये डॉक्टर कीर्ति नहीं है तो हमें ड्यूटीज कौन देगा? यार आई होप डॉक्टर मोदी ना हो, ऑलरेडी उसने मेरा रिकॉर्ड लाल कर दिया है। ये मोदी भी ना हाथों के पीछे पड़ गया। वैसे अरमान, मैंने सुना कल रात को तूने डबल ड्यूटी की थी। हाँ यार, मोदी पता नहीं क्या समझता अपने आपको, जो उसके जो मन में आ रहा वो कर रहा। बिल्कुल गलत। मेरा मन जो कह रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि जो सही है वो ही कर रहा हूं।
अब से संजीवनी का परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर निकिता, आपकी मॉर्निंग वॉक हो गई, लेट आने की वजह जान सकता हूं? मैं रात भर काम कर रही थी। तो क्या मुझ पर एहसान कर रही हो? तुमने आप ही ने मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। तो क्या रिपोर्ट बनाने का यह मतलब है कि आप अपने बाकी सारे काम भूल जाएंगी? या फिर तुम ये कहना चाहती हो डॉक्टर निकिता कि आपसे मल्टीटास्किंग नहीं होती? सॉरी, आज के बाद संजीवनी में बदलाव आएगा। बहुत मजाक हो गया, अब तुम सब की सारी ड्यूटीज मैं दूंगा। मर गए यार। अभी नहीं डॉक्टर मुस्कान, अभी नहीं। लेकिन अगर आप सबने अपना काम ठीक से नहीं किया, then I promise you, मरना तुम्हारे लिए सबसे आसान ऑप्शन होगा। आप लोगों की इंटर्नशिप खत्म होने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी है, इसलिए मेरी एडवाइस लीजिए और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के बाद हर हफ्ते हर इंटर्न की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी। और उसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन अपनी इंटर्नशिप खत्म करेगा और कौन नहीं। यार ये तो अपनी पर्सनल खुन्नस हॉस्पिटल में निकाल रहा है। कुछ कहा डॉक्टर अतुल? मैंने कुछ नहीं कहा। गुड, ऐसे भी मुझे बेकार की बातें सुननी अच्छी नहीं लगती। सर मैंने तो बातें करना ही बंद कर दिया है, माँ कसम। ये आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट पर एक रेड मार्क लग चुका है। एक और रेड मार्क का मतलब समझते हो ना? आज से अगर किसी भी इंटर्न ने मेरी बात नहीं मानी या किसी भी सीनियर डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, तो प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिएगा, खुद ही संजीवनी छोड़ के जा सकते हो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार के यहां से निकाल दूंगा। डॉक्टर मोदी, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी किसी इंटर्न ने हॉस्पिटल के अंदर किसी सीनियर से बदतमीजी की। एक्चुअली हम सब ने अपनी ड्यूटी से ज्यादा ही काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये रूल्स बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल रीजन है। और अगर आप ये रूल्स पर्सनल रीजन की वजह से बना रहे हैं तो गलती आपकी है, हमारी नहीं। डॉक्टर अरमान, बोलिए मत, तुम यहां सिर्फ एक इंटर्न हो। डॉक्टर मोदी, दैट्स नॉट फेयर, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। डॉक्टर अंजलि, यही मेरे काम करने का तरीका है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप सब जानते हैं कि संजीवनी का दरवाजा कहां है। यू मे लीव। आप सब यही इंतजार कर रहे हैं ना कि कब मैं यहां से चला जाऊं और आप सबकी आपस की बकवास शुरू हो जाए। गेट बैक टू वर्क नाउ।
डॉक्टर अरमान। ओपीडी का रास्ता पीछे है, सामने आपको सिर्फ संजीवनी से जाने का शो शॉर्ट रास्ता मिलेगा। वैसे ही लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, कौन विलन पैदा हो गया? मैं रिद्धिमा को समझाऊंगा कैसे? यार अंजलि मेरी सीक्रेट एडमायरर कैसे हो सकती है? वो मैं पेशेंट चेक कर रहा था। हाँ पेशेंट ठीक था। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। अंजलि सीक्रेट एडमायरर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि अंजलि ने ही मुझे गिफ्ट भेजे हैं? अंदर जा। सिस्टर, ये सीडी किसकी है? ये मेरी सीढ़ी है, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। ए, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। झूठी, छोड़। ये मुझे पहले मिली थी। ए, मैं डॉक्टर हूँ। छोड़, 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 मेरी है। नहीं छोड़ेगी। ए, डॉक्टर मोदी। तेंगा, तेंगा। So funny, okay? I know, it's smart. अरे डॉक्टर मोदी। डर गई ना? डॉक्टर मोदी। Same जो, won't work, हाँ? इस साल जो कतल डॉक्टर मोदी। अरे क्या डॉक्टर मोदी, डॉक्टर मोदी। मैं फेंट हो रहा हूँ। आपके ये मॉडलिंग करने आई? मैं मर गया सर। कैसे? बेचारा अच्छा आदमी था। तो अगर पेशेंट मर गया उसे मॉर्ग ले जाना चाहिए ना, या फिर ये भी बात आपको बतानी पड़ेगी? वही कर रही थी सर। तो करिए। यस सर। इसको इस पेशेंट आई मीन इस लाश को मॉर्ग में लेके जाओ। मोदी साला कुत्ते का बच्चा, अच्छे खासे जिंदा इंसान को मुर्दा लाश बना दिया। कीड़े पड़ेंगे कीड़े उसको। बेचारा अच्छा आदमी था। वापस जाके अपना काम कीजिए। यस सर। डॉक्टर मोदी गए क्या? जी नहीं सर, कोई नहीं है। क्या बात कर रहे? कोई नहीं, हट हट हट। क्या हुआ? जेम? अरे वो गया क्या? कौन? अरे वो मोदी, मोदी कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, क्या है? तू इधर चिल्ला रहा है? अबे मैं तुझे देख के चिल्ला रहा हूँ, ये सब क्या है? ओ डर गया था ना? हाँ यार, क्या जमाना आ गया यार। अच्छे खासे डॉक्टर को कूली बना दिया है। अबे मैं कूली नहीं हूँ, इसमें रिद्धिमा के लिए सामान है। क्या बात कर रहा है यार, रिजने तुझे कूली बना दिया? नहीं चैंप, मैं रिद्धिमा को सरप्राइज करना चाहता हूँ, उसके लिए इसमें सामान। नहीं अरमान, मैं तुझे संजीवनी छोड़ के जाते हुए नहीं देख सकता। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। अरे मुझे पता है यार, लेकिन ड्यूटी के टाइम पे मोदी ने तुझे ये सब करते हुए देख लिया तो निकाल ही देगा ना। देख मोदी कुछ नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं ये सब ब्रेक टाइम पे कर रहा हूँ। मोदी मोदी ऐसी मीटिंग में कम से कम एक घंटा तो लोगों को पकाएगा। अपने आपको बड़ा शाना समझता हूँ, मुझे रेड मार्क दे दिया। Don't worry about that. We'll deal with that. मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात। सुनना, सुनना, सुन। अरे कैसा है यार, किसी की बात ही नहीं सुनता। डॉक्टर मोदी, न्यू बॉम्बे के प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आपने प्रॉमिस किया था, क्या हुआ उसका? ऑफ कोर्स मेरे पास है। एक सेकेंड।
डॉक्टर निकिता को अंदर भेजिए प्लीज। निकिता आप यहां 15 मिनट लेट आई हैं। सॉरी मैं लंच खाने गई थी। ओह हाउ नाइस, तो अब आपका लंच हमारी मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, राइट? रिपोर्ट्स कहां हैं? सुबह आपके टेबल पर रख दी थी। ओह रियली, सॉरी सर, वो गलती से वहां रह गई निकिता। ये रिपोर्ट है या क्लास वन का होमवर्क? हमें इसमें कोई डिटेल्स ही नहीं है, आधी चीजें लिखी हुई आधी चीजें नहीं। आप जानते हैं उस एरिया में 32 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो फिर इसमें सिर्फ 20 का नाम क्यों? सर, सिर्फ 20 ही अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला रहे हैं, बाकी 12 ने अपने क्लिनिक अब तक शुरू नहीं किए, तो मैंने सोचा कि हाउ नाइस ऑफ यू, तो आपने सोचना भी शुरू कर दिया। टेल मी समथिंग डॉक्टर निकिता, जो बाकी 12 डॉक्टर्स हैं, आपको नहीं लगता हमारा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनका क्लिनिक भी शुरू हो जाएगा? जी शायद। अगर आप इतना कुछ सोच रही थी तो फिर ये छोटी सी डिटेल आपको याद नहीं आई? रिडिकुलस, आपकी ये रिपोर्ट यूजलेस है। अगर ऐसी रिपोर्ट मुझे चाहिए होती ना तो किसी 5 साल के बच्चे से बनवा देता। कम से कम आपका लंच ब्रेक तो हम डिस्टर्ब नहीं करते,